हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के सोशल में 18 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सभी ने 18 चैप्टर्स कॉपी में किए हुए हैं। इन सभी का रिवीजन करते रहते हैं कि नहीं? इन सभी को रिवाइज करते रहा करिए। तो आज हम करेंगे रचनात्मक मूल्यांकन 3। रचनात्मक मूल्यांकन 3, इसमें चैप्टर 13 से लेके 18 पर बेस्ड क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज है। तो ये सभी मैं आपको बता देती हूँ। आपको ये कॉपी पर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सभी आपका रिवीजन है। तो इसलिए इसको केवल रिवाइज कर लीजिएगा, बुक पर ही कर लीजिएगा, और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो एक बार कॉपी पर कर लीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, तो एक्सरसाइज आपको बुक पर ही करनी है और क्वेश्चन आंसर कॉपी पर। तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला सेंटेंस है, धान का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा किसे कहते हैं? झारखंड को, केरल को या छत्तीसगढ़ को? तो किसको कहते हैं हम? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। नागपुर में किसकी खेती बड़ी मात्रा में होती है? तो आप सभी को पता है नागपुर में क्या चीज मिलते हैं सबसे ज्यादा? संतरे। नागपुर के संतरे फेमस हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है उसकी राजधानी का क्या नाम है? कवारत्ती, पांडिचेरी या सिलवासा? तो क्या है लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी? कवारत्ती। क्या है? कवारत्ती। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ वर्षा नाम मात्र की ही होती है, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, नाम मात्र के लिए होती है, वो कौन सी जगह है? राजस्थान, कच्छ की दोनों में? तो दोनों में, राजस्थान और कच्छ दोनों ही जगह पर वर्षा जो है नाम मात्र की होती है। ओके, नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इसमें, तो खाली जगह में क्या आएगा? में बहुत बड़ा इस्पात कारखाना है। तो बहुत बड़ा इस्पात कारखाना कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। कच्छ की खाड़ी में कांदला व ओखा नामक बंदरगाह है। कच्छ की खाड़ी में दो बंदरगाह हैं, कौन कौन से? कांदला और ओखा। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं। लैगून नमकीन पानी की झील को कहते हैं। क्या आएगा? झील। लैगून किसे कहते हैं? नमकीन पानी की जो झील होती है उसे कहते हैं। भारत में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होती है। भारत में वर्षा किससे होती है? जब मानसून आते हैं बारिश के मौसम में, तो मानसूनी हवाएं जो होती हैं वही वर्षा करके जाती हैं। तो किससे वर्षा होती है? मानसूनी पवनों द्वारा। ओके, नेक्स्ट है मैचिंग। तो बहुत इजी मैचिंग है, यही पूरी मैचिंग आपने पहले भी करी है। हीरा कुंड क्या है? महानदी पर बना हुआ बांध है। नेक्स्ट, ऊटी। ऊटी क्या है? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान। दक्षिण भारत में साउथ की तरफ बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी स्थान है, घूमने की जगह ऊटी। थर्ड है कोलार। कोलार क्या चीज है? कोलार कर्नाटक में जो सोने की खाने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कोलार की खाने, जो सोने की खाने हैं। नेक्स्ट है खनिज पदार्थों का भंडार। तो खनिज पदार्थों का भंडार कहाँ पर है ज्यादा? दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार को हम क्या कहते हैं? खनिज पदार्थों का भंडार, क्योंकि वहां पर बहुत अधिक खनिज पदार्थ हैं। नेक्स्ट है मैतूर। मैतूर क्या चीज है? तो मैतूर है कावेरी नदी पर बना बांध। कावेरी नदी पर जो बांध बना हुआ है उसका क्या नाम है? मैतूर। चलिए अब रचनात्मक मूल्यांकन के क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन आंसर भी आप पहले कर चुके हैं, पर इन क्वेश्चन आंसर्स को दोबारा कर लीजिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? जमीन के अंदर से खोदकर निकाले गए पदार्थों को खनिज कहते हैं।
जमीन के अंदर से जो खनिज पदार्थ खोद कर निकाले जाते हैं, जो पदार्थ निकलते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, अबरक, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, ऐसे बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं जो जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं। परंतु जब ये निकलते हैं तो कैसे होते हैं, ये अशुद्ध रूप में होते हैं, और फिर इनको शुद्ध किया जाता है, अनेक प्रोसेस से इन्हें गुजरना होता है, जिससे ये फिर ये शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट है बंदरगाह किसे कहते हैं। क्वेश्चन, बंदरगाह किसे कहते हैं, तो समुद्र तट का वह स्थान जहाँ पानी के जहाज आते जाते हैं और इन पर यात्री व सामान चढ़ाए व उतारे जाते हैं, बंदरगाह कहलाता है। समुद्र तट का, समुद्र के किनारे वह जो प्लेटफॉर्म टाइप से बना होता है जहाँ पर पानी के जहाज आकर रुकते हैं और वहीं से ही यात्री उतरते भी हैं, और जो यात्री चढ़ने होते हैं और जो सामान भेजना होता है वो वहीं पर से ही चढ़ाया और उतारा जाता है। तो वो जगह क्या कहलाती है, हमारी बंदरगाह कहलाती है। नेक्स्ट है प्रकाश स्तंभों से क्या लाभ है। प्रकाश स्तंभ किन्हें कहते हैं, तो जो कोंकण तट है, जो कोंकण तट है समुद्र तट का, वो काफ़ी असमतल और चट्टानी है, उसमें बहुत सारी चट्टानें हैं, और जो चट्टानें हैं कुछ चट्टानें तो पहाड़ियाँ और चट्टानें समुद्र के अंदर तक चली गई हैं, कुछ पहाड़ियाँ और चट्टानें समुद्र के अंदर तक चली गई हैं। तो इससे क्या होता है कि रात के समय में जब जहाज आते हैं पानी के, तो उन्हें चट्टानें अगर नज़र नहीं आती तो जहाज चट्टानों से टकरा सकते हैं। तो इसीलिए ही पानी में प्रकाश स्तंभ बनाए गए हैं। प्रकाश स्तंभ मतलब पानी में लाइट्स की वो खड़ी की गई हैं पिलर से, तो उनसे रात के समय में प्रकाश किया जाता है प्रकाश स्तंभों से, और इससे क्या होता है समुद्री जहाज जो है चट्टानों से टकराने से बच जाते हैं, उनसे लाइट से उन्हें दिखाई देता है तो वो चट्टानों से टकराने से बच जाते हैं। तो समझ गए प्रकाश स्तंभ से क्या लाभ है। अगला क्वेश्चन है मानसून किसे कहते हैं। मानसून किसे कहते हैं, तो वर्षा ऋतु में हवाएं समुद्र की ओर से धरती की ओर चलने लगती हैं। जब बारिश का मौसम आता है तो हवाएं कहाँ से, समुद्र की तरफ से धरती की ओर चलने लगती हैं, तथा वो क्या होता है जल वाष्प से भरी हुई होती हैं। जो समुद्र की ओर से हवाएं आती हैं वो अपने साथ समुद्र से क्या लेती हुई आती हैं, जल वाष्प लेती हुई आती हैं, और तो इन्हें ही क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। जो जल वाष्प से भरी हुई हवाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, मानसून कहा जाता है, और यही मानसून जो है बारिश करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कश्मीर के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। कश्मीर के लोग किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, तो कश्मीर के स्त्री व पुरुष दोनों ही ढीला सा कुर्ता पहनते हैं। कश्मीर के स्त्री पुरुष दोनों ही ढीला सा कुर्ता पहनते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, फिरन कहते हैं। ढीला सा कुर्ता होता है जो उनका, उसे क्या कहते हैं, फिरन। और फिरन के साथ स्त्रियां क्या पहनती हैं, सलवार पहनती हैं। स्त्रियां सिर पर स्कार्फ और पुरुष टोपी पहनते हैं। स्त्रियां सिर पर क्या पहनती हैं, स्कार्फ पहनती हैं, और पुरुष टोपी पहनते हैं। तो समझ गए आप सारे क्वेश्चन आंसर्स। तो रचनात्मक मूल्यांकन थर्ड के आपको एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी कॉपी पर नहीं करनी है, सिर्फ बुक पर ही करनी है और समझनी है, रिवाइज करनी है, और क्वेश्चन आंसर्स कॉपी पर करके याद करने हैं। ओके।